बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम फ्रॉम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में मैं ऑलरेडी जो है वो 6 लेक्चर जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। लास्ट लेक्चर तक हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कम्प्लीट कर लिया था बेटा, तो आज हम लेक्चर नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हम 3 क्वेश्चन 16, 17, 18 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन है उसी तरह ही जिस तरह हमने पहले किए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सीरीज़ आपको दी हुई है, ठीक है। तो बस मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए आपने यही प्रूव करना है कि सीरीज़ जो है दोनों तरफ, ठीक है, आंसर जो है वो हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए सेम है। तो लेट अस स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। ले बेटा नेक्स्ट, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 इस तरह है, 1 × 1 factorial। ये 1 के फैक्टोरियल है, आप जानते हैं कि फैक्टोरियल की एक नोटेशन ये भी होती है, ये इस तरह एल शेप बनकर, एल शेप बनाकर उसके नीचे ये ऊपर नंबर लिखा होता है। 1 × 1 factorial, 2 × 2 factorial, 3 × 3 factorial, अप टू सोन n × n factorial बराबर है n+1 का factorial −1। ठीक होगी बात ये। तो पहली चीज़ वही आपने करनी है, फॉर्मेलिटी जो है, लेट sn बी द गिवन स्टेटमेंट। सो इस सारे का नाम हमने sn रख लिया, ये आ गया sn, इसको मैंने फैक्टोरियल के नोटेशन में ज़रा बदल लिया, 1 × 1 factorial, 2 × 2 factorial, ये भी फैक्टोरियल की अलामत आप जानते हैं ना। अच्छा, यहाँ पर sn रखकर इसका नाम, इसको मैंने कह दिया क्वेश्चन नंबर 1। अब आपने क्या करना है, n की जगह 1 पुट करना है। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें n की जगह 1 पुट कर दें। 1 पुट करने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड में आप जानते हैं इसकी फर्स्ट वैल्यू उठानी है, तो फर्स्ट वैल्यू है 1 × 1 factorial। इसका आंसर कितना आता है, 1 का फैक्टोरियल होता है 1, तो 1 × 1 आ गया। राइट हैंड साइड ये सारी आपकी है, तो इसमें आप n की जगह 1 पुट करेंगे, याद देखा 1 + 1 का factorial −1। 1 + 1 कितना हो गया, 2 का factorial। 2 का factorial कितना होता है, 2, तो 2 − 1 आ गया। क्लियर होगी बात कि नहीं। देखें बेटा, अगर किसी बच्चे को फैक्टोरियल वाला चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ उसने, तो देखें 2 के फैक्टोरियल से मुराद ही होता है 2 × 1, यानी बैकवर्ड काउंटिंग चलेंगे। 3 का फैक्टोरियल होगा तो आ जाएगा 3 × 2 × 1। 4 का फैक्टोरियल होगा तो 4 × 3 × 2, मतलब बैकवर्ड काउंटिंग चलेंगे, तो 2 × 1 = 2। ये तो 2 का फैक्टोरियल कितना हो गया, 2 आ गया आपके पास। ठीक होगी बात ये। तो राइट हैंड साइड का आंसर भी कितना आ गया, 1 के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपस में क्या होगी, बराबर होगी, हैंस s1 इज़ ट्रू। तो आपकी जो स्टेटमेंट है n = 1 के लिए दुरुस्त हो गई। स्टेप नंबर 2 में अब आपने जानते हैं कि आपने क्या लिखना है, सपोज दैट द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = k। मान लें कि आपकी जो स्टेटमेंट है n = k के लिए दुरुस्त है। सो वी हैव, तो n = k के लिए दुरुस्त है, तो हम क्या करेंगे, वही जो आपका गिवन क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसमें जहाँ n है वहाँ पर क्या लिखना है, k लिखना है। तो n की जगह k लिख दिया इधर भी और इधर भी, और इसे मैंने sk कह दिया। क्लियर होगी बात कि नहीं। और इसे क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया हमने। नहीं जी, अब आपने नेक्स्ट, हमने ये शो करना है कि जो आपकी स्टेटमेंट है ना n = k+1 के लिए भी दुरुस्त है। तो आप जानते हैं आपको एक यहाँ पर नंबर तलाश करना पड़ेगा जिसको आपने क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों तरफ ऐड करना है। और वो नंबर आपको कैसे मिलेगा, वो नंबर जनाब आपको ऐसे मिलेगा कि ये जो आपका गिवन क्वेश्चन है, इस गिवन क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड की जो आखिरी वैल्यू है n × n factorial, इसमें n की जगह आपने क्या पुट करना है, k+1। तो k+1 पुट करने के बाद जो चीज़ बनती है ना आपने आपके पास, उसको आपने ऐड करना है दोनों तरफ। तो ये आपके पास है ना, n की जगह क्या पुट करना है, k+1। तो ये आ गया n की जगह k+1, यहाँ पर भी n की जगह k+1 पुट करेंगे, याद देगा k+1 × k+1 का factorial। तो आपने k+1 × k+1 का factorial जो है ना जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो बनाई है उसके दोनों तरफ ऐड कर देना अब आपने। तो यही मैंने लिखा है, बाई एडिंग k+1 × k+1 का factorial ऑन बोथ साइड ऑफ 2 वी हैव। आपने क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके पास है, इसके दोनों तरफ ऐड आपने कर दिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्वेश्चन नंबर 2 का हिस्सा बनता है वो सारा मैंने लिख लिया। ये प्लस कर दिया ये वाला नंबर k+1 × k+1 का factorial इक्वल टू, अब इधर भी आपने प्लस करना है, ठीक है, ये सारा नंबर लिखा k+1 का factorial −1, और आगे ये वाला जो नंबर ऐड किया है इधर भी आपने ऐड कर दिया लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। अब आपने ये वाली साइड को सोल्व करना है, सारी राइट हैंड साइड को, ये एज इट इज़ ऐसे ही आती जाएगी नीचे, इसको सोल्व करना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में से मुझे बताओ, ये पहली वैल्यू ये वाली और आखिरी ये, 1, 2, 3 रकमें ये टोटल, पहली और तीसरी रकम में से क्या एक जैसा है, k+1 का factorial एक जैसा ना, तो यहाँ से k+1 factorial कॉमन निकाल लें, ठीक है। यहाँ से k+1 का factorial कॉमन आ गया तो यहाँ क्या रह गया, 1। यहाँ से कॉमन आया तो क्या रह गया, खाली k+1,
ठीक है, और ये वाला जो माइनस वन बचा है ये यहाँ माइनस वन इधर आ गया, क्लियर हो गई बात कि नहीं। ये हो गया k प्लस टू, तो ये आ गया k प्लस वन का फैक्टोरियल इंटू k प्लस टू, आगे क्या बच गया माइनस वन। अच्छा नेक्स्ट बेटा, अब ये जो आपके पास नंबर बना ना k प्लस वन और k प्लस टू, मुझे बताओ k प्लस वन और k प्लस टू में कितने नंबरों का फ़र्क है, ये वाला नंबर इससे कितने नंबर बड़ा है, एक नंबर बड़ा ना। k प्लस वन में एक और ऐड कर दो, k प्लस वन में एक और ऐड कर दो तो k प्लस टू बनता है कि नहीं बनता, बनता है ना। तो अभी एक फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास ऐसे लिखा हो ना, आपके पास एन माइनस वन n इंटू एन माइनस वन, ये ऐसा लिखा हो n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, तो इसे आप लिख सकते हो n का फैक्टोरियल, यानी कि एक नंबर छोटा वाला नंबर है उसका फैक्टोरियल है, और उससे एक नंबर बड़ा है तो उसको आप बड़े वाले नंबर का फैक्टोरियल लगा सकते हो। नहीं समझे, देखें आपके पास लिखा हो 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, तो इसको आप लिख सकते हो 5 का फैक्टोरियल, ये 5 है ये 4 है, एक नंबर का फ़र्क है तो बड़े नंबर के ऊपर क्या आ जाएगा फैक्टोरियल आ जाएगा, ये फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्यों आ जाता है, देखो ये ऐसे है एक्चुअली, ये लिखा ना मैंने 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, आपको मैं कहता हूँ 4 का फैक्टोरियल तोड़ दें, 4 का फैक्टोरियल ब्रेक करें, तो ये ब्रेक कैसे करोगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अब ये कितने नंबर बन गए हैं, ये टोटल 5 नंबर बन गए हैं ना, एक से लेकर 5 तक नंबर बन गए हैं ना, सबका क्या है प्रोडक्ट है, तो इसको अगर आपने फैक्टोरियल की नोटेशन में लिखना हो, फैक्टोरियल की शक्ल में लिखना हो, तो ऐसे इसे कैसे लिखोगे 5 का फैक्टोरियल। आप जानते हैं फैक्टोरियल की डेफिनेशन ये कहती है कि जिस नंबर का आपने फैक्टोरियल तोड़ना है उस नंबर को बैकवर्ड लिखें आप प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो इसे बैकवर्ड काउंटिंग में लिखा और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा तो लहदा ही पाएगा फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, तो किस्सा मुख्तसर ये है कि अगर एक नंबर आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है और उससे छोटे नंबर के ऊपर फैक्टोरियल है, उसे एक नंबर कम होना चाहिए उसका फैक्टोरियल है, तो आप बड़े नंबर के ऊपर फैक्टोरियल लगा दोगे। तो यहाँ पर भी तो ऐसी है, ये k प्लस टू है ये k प्लस वन है, तो k प्लस टू में से एक कम कर देंगे तो k प्लस वन बन जाएगा, तो छोटे नंबर का फैक्टोरियल है साथ बड़ा नंबर ऐड हो रहा है, तो इन दोनों को मिलाकर k प्लस वन और k प्लस टू को मिलाकर आप फाइनल बना के लिखोगे k प्लस टू का फैक्टोरियल, यानी ये जो सारी चीज़ है ना आपके पास k प्लस टू इंटू k प्लस वन का फैक्टोरियल, ये दोनों मिलकर ऐसे बन जाएंगे k प्लस टू का फैक्टोरियल, तो यही मैंने आगे लिखा है। तो ये बेटा अब आपके पास देखें ये बन गया k प्लस टू का फैक्टोरियल, आगे क्या था माइनस वन था, इसे क्वेश्चन नंबर 3 कह दिया। अब आपने यही आंसर लेके आना जब n की जगह k प्लस वन पुट करना है, कहाँ पर 1 की राइट हैंड साइड में, ठीक है, तो 1 की राइट हैंड साइड बेटा ये है n प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस वन, तो यहाँ पर n की जगह क्या पुट किया k प्लस वन, तो ये आ गया k प्लस वन प्लस वन, k प्लस वन प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन, तो ये क्या बन गया k प्लस टू का फैक्टोरियल माइनस वन। अब आप 3 और 4 को देख लें बिल्कुल एक जैसे नहीं है, तो फ्रॉम 3 एंड 4 वी कैन ऑब्जर्व दैट sk प्लस वन इज ट्रू व्हेन यूर sk इज ट्रू, hence by mathematical induction given statement is true for every positive integer। ठीक है, तो ये बेटा अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब आपको अगला क्वेश्चन देखें ले बेटा, नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सीरीज़ तो आपको नहीं दी हुई यहाँ पर, आप जानते हैं ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म मालूम करने का फार्मूला है, ये क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ए पी की nth टर्म है, आपने प्रूफ करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म यही होती है, कब, व्हेन ए वन ए वन प्लस डी ए वन प्लस टू डी अप टू सोन, आगे रख में चलते जाएंगे ए वन प्लस थ्री डी ए वन प्लस फोर डी फॉर्म एन ए पी, कहते हैं अगर ये रकमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हैं तो आप प्रूफ करेंगे ए एन इसके बराबर है। ठीक है, आप जानते हैं ए वन प्लस डी कितनी रकम है, इसकी दूसरी रकम है, ए वन प्लस टू डी कितनी रकम है, इसकी तीसरी रकम है। ठीक है, ए वन प्लस फोर डी कितनी रकम है, चौथी रकम है। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर ये प्रोसीजर चलता रहे, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की रकमें हो, तो बताओ इसकी nth टर्म का फार्मूला ये बनता है, ये आपने प्रूफ करना है कि ये फार्मूला, ऐसे नहीं कह देना जी हम जानते हैं कि लहदा कि nth टर्म का फार्मूला यही होता है, हमने पढ़ा ऐसा ही है, भाई इसको प्रूफ करना अपने मैथमेटिकल इंडक्शन से कि वाकई ये बनता है मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो ये सीरीज़ नहीं दी हुई अब आपने, अब देखें क्या करता है, आपने सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट का नाम SN रख लेना है, SN किसका नाम रखना है यहाँ पर, जिस फार्मूले को हमने प्रूफ करना है, तो फार्मूला सिर्फ इतना सा है ये, ठीक है, ये नहीं लिखना बीच में, तो इस फार्मूले का नाम हमने SN रख लिया, ये आगे SN AN आगे ये सारा फार्मूला लिख दिया, इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। अब अगला काम आप जानते हैं n की जगह क्या पुट करना है, 1, n की जगह 1 पुट करना है। ठीक है, तो 1 अभी यहाँ पर तो 1 पुट करेंगे अब, लेकिन इसकी लेफ्ट हैंड साइड कहाँ से निकालेंगे, लेफ्ट हैंड से इन रकमों से निकालेंगे, n इक्वल टू 1 का मतलब इसकी फर्स्ट वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू क्या है a1 है, राइट हैंड साइड निकालने के लिए इस फार्मूले में n की जगह 1 पुट करना है आपने, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड n की जगह 1 पुट करें, यह आ जाएगा a1, 1 की जगह आ गया 1 माइनस 1 डी, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, तो बाकी की जगह बच गया a1, तो ये भी a1 वो भी a1, तो एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आगे राइट हैंड साइड के, हैंस s1 इज ट्रू, स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गई, दुरुस्त हो गई। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 आप जानते हैं, सपोज डैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, सो वी हैव
एन इज इक्वल टू के लिए आपने बात दुरुस्त मान ली। अब क्या दुरुस्त माना है आपने? दुरुस्त ये माना है कि अब यहाँ पर ए के यानी kth टर्म का जो फार्मूला है ना वो बराबर है ए वन प्लस के माइनस वन डी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की kth टर्म का फार्मूला क्या होता है पता ना, ए एन का फार्मूला अगर ये है तो ए के क्या होगा, ए वन प्लस के माइनस वन डी। ठीक है, अब इस चीज़ को आप सपोज कर लेंगे कि वाकई ही kth टर्म का फार्मूला ये होता है, तो ये बेटा आपके पास आ गई स्टेटमेंट फॉर एन इज इक्वल टू के लिए, तो ए के आ गया ए वन प्लस के माइनस वन डी। नेक्स्ट वी विल शो डैट स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। अब आपने ये बात प्रूव करनी है कि आपकी जो स्टेटमेंट है ना एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए दुरुस्त है, तो के प्लस वन के लिए दुरुस्त है तो अब आप क्या ऐड करोगे दोनों तरफ? ठीक है, देखो जी के प्लस वन के लिए दुरुस्त होने का मतलब क्या है, सुने ज़रा गौर से। एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए बात दुरुस्त होने का मतलब है कि आपने अब आपने इसकी के प्लस वन टर्म का फार्मूला बनाना है। क्या बनाना है? के प्लस वन टर्म का फार्मूला बनाना है। तो मुझे बताएं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की रकमें कुछ इस तरीके से भी तो बनती है ना। अगर आपने इसकी दूसरी रकम आपने निकालनी है मिसाल के तौर पर, अगर इसकी पहली रकम है ए वन तो इसकी दूसरी रकम का फार्मूला ये भी तो होता है ए टू बराबर है ए वन जमा डी, होता कि नहीं होता? ए थ्री का फार्मूला ये भी तो होता है ए टू जमा डी, एक तो फार्मूला ए थ्री का ये है ना ए वन जमा टू डी, ये वाला फार्मूला डिपेंड करता है इसकी फर्स्ट वैल्यू के ऊपर। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है? फर्स्ट वैल्यू और डी के ऊपर। एक फार्मूला ये भी होता है कि ए थ्री बराबर है ए टू जमा डी, ए फोर बराबर है ए थ्री जमा डी। ठीक है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की रकमें कुछ इस तरह भी तो बनती हैं कि हर अगली टर्म में पिछली टर्म में डी जमा करते जाएँ, क्या करें लास्ट टर्म में डी जमा करते जाएँ, तीसरी रकम में डी जमा करो चौथी बन जाएगी, पांचवी रकम चाहिए तो चौथी में डी जमा कर दो पांचवी बन जाएगी। ठीक है, तो अब मैं कहता हूँ आपको अगर मुझे इसकी के प्लस वन टर्म चाहिए, ये चाहिए, तो ये कैसे बनेगी? ये ऐसे भी तो बन सकती है ना केथ टर्म में डी जमा करने से, केथ टर्म में डी जमा करने से कौन सी रकम बनेगी? के प्लस वन टर्म बनेगी कि नहीं बनेगी? तो इसकी के प्लस वन टर्म किसके बराबर है? केथ टर्म जमा डी। तो यही मैंने लिखा है। अब आपने वन की राइट हैंड साइड वगैरह की तरफ नहीं जाना, अब आपने खुद सोचना है कि अगर इसकी हमने स्टेटमेंट को के प्लस वन के लिए दुरुस्त साबित करना है तो वो कैसे साबित होगी? जब आप इसका फार्मूला ये वाला प्रूफ कर दें कि इसकी के प्लस वन का फार्मूला एक ये भी होता है और एक ये भी है ए वन प्लस के माइनस वन डी, ये दोनों फार्मूले हैं इसकी केथ टर्म के प्लस वन टर्म के। ठीक है, ए के प्लस वन बराबर है, सॉरी यहाँ पर आएगा ए वन प्लस के डी, के प्लस वन है तो के आएगा, सही है। तो दोनों तरीके से इसके दोनों फार्मूले ही है। तो अब ये अब हम चल रहे हैं, अब हमारे पास कौन सी रकम गिवन है? इसकी केथ टर्म गिवन है, सही है कि केथ टर्म के लिए फार्मूला आपने सपोज कर लिया कि दुरुस्त है। तो के प्लस वन टर्म कैसे बनेगी? ए के अंदर क्या ऐड करना है? डी। तो मैंने यही लिखा है बाई एडिंग डी ऑन बोथ साइड ऑफ टू, तो यहाँ पर दोनों तरफ डी ऐड करने से, तो यहाँ पर ए के में डी जमा किया, ये सारी वैल्यू लिखी ए वन जमा के वन माइनस डी, इधर भी डी आपने जमा कर दिया डी, ये आ गया ए के जमा डी, ए के जमा डी का मतलब के प्लस वन टर्म। फिर देखो ए फाइव का मतलब है चौथी रकम में डी जमा करना, तो पांचवी मिल जाएगी, चौथी रकम चाहिए तो इसका मतलब है तीसरी में डी जमा कर दो, यानी हर पिछली में डी जमा कर दो तो अगली आ जाती है। तो भाई के प्लस वन कितनी रकम है? के से अगली रकम है ना, तो केथ टर्म में डी ऐड कर दो तो कौन सी रकम आ जाएगी? ए के प्लस वन। लो जी अब इधर भी अब आपने डी जमा किया है। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ ये सॉल्व हो रहा है, पहले अभी तक आपने जितने क्वेश्चन सीरीज़ वाले किए थे उसमें सिर्फ हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते थे, अब इधर भी सॉल्व हो रहा है, इधर भी सॉल्व हो रहा है, लेफ्ट भी सॉल्व राइट भी सॉल्व, लेफ्ट को सॉल्व किया ए के प्लस वन आ गई, इधर करो ऐड, तो इधर भी डी जमा किया ये आ गया। अब डी इस डी को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यह देगा के डी माइनस डी, ये वाला जमा डी, ये डी और डी कट जाएगा, तो ये रह गया ए वन जमा के डी। तो देखो ए के प्लस वन का फार्मूला क्या निकलाया? ए वन जमा के डी। ठीक है, अब यही फार्मूला आपने प्रूफ करना है कि यही फार्मूला बनेगा किससे? ये जो आपके पास स्टेटमेंट नहीं दी हुई थी SN, वहाँ पर भी N की जगह K प्लस वन पुट करके यही वाला फार्मूला आपने प्रूफ करना है। क्या क्या प्रूफ करना है? कि भाई जब यहाँ पर स्टेटमेंट जो N इज इक्वल टू वन के लिए दी थी ना, देखो हम क्या करते होते हैं क्वेश्चन नंबर टू में, आप एक नंबर ऐड करते हैं, नंबर ऐड करने के बाद उसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर एक इजाफी नया काम ये करना पड़ा है, इसकी रेफरेंस सर को भी सॉल्व करना पड़ा है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर टू जब सॉल्व हो जाती है तो फिर आप के प्लस वन को किस में पुट करते हो? जो दी हुई स्टेटमेंट होती है, दी हुई स्टेटमेंट में एन की जगह क्या पुट करना होता है? के प्लस वन। तो एन की जगह के प्लस वन पुट करने के बाद आपकी थ्री और अब आपकी जो फोर बनेगी वो एक जैसी आनी चाहिए, समझ गए बात की नहीं? अच्छा, अब ये मेरे पास है गिवन स्टेटमेंट,
एन इसके बराबर है, इसमें एन की जगह क्या पुट करना है, के प्लस वन। लो जी दोनों तरफ एन की जगह के प्लस वन पुट करें और ये बनाना है आपने सारा, ए वन जमा के डी ये सारा लेके आना है, एन थ्री लेके आनी है अब आपने। तो लो जी ए एन था, ए एन की जगह, एन की जगह क्या पुट गया के प्लस वन, आगे आ गया ए वन जमा, यहाँ था एन माइनस वन तो एन की जगह क्या पुट कर दिया के प्लस वन, माइनस वन आ गया, ये वन और ये वन कट गया तो ए वन जमा के डी रह गया। तो तीसरी और चौथी देख लें बिल्कुल एक जैसी हैं, फ्रॉम थ्री एंड फोर वी कैन ऑब्जर्व डेट एस के प्लस वन इज ट्रू वेन एवर एस के इज ट्रू, हैंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 17 था। इन दी सिमिलर वे, आप सिमिलर स्टेप्स के ऊपर चलते हुए क्वेश्चन नंबर 18 में अब हम प्रूव करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एनथ टर्म आपको दी हुई है वो अब आपने प्रूफ करना है कि उसका फार्मूला यही है, ठीक है। नहीं जी क्वेश्चन नंबर 18 एनथ टर्म का फार्मूला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की आप जानते हैं, ए एन इक्वल टू ए वन इंटू आर की पावर एन माइनस वन है, ये फार्मूला प्रूफ करना है आपने, ये क्या करना है प्रूफ करना है। गिवन इन्फॉर्मेशन दी है कि जब व्हेन ए वन ए वन आर, ए वन आर का स्केयर, ए वन आर की पावर थ्री अप टू सोन फॉर्म अ जी पी, अगर ये रकमें जी पी के अंदर हो तो आप प्रूफ करें इसकी एनथ टर्म का फार्मूला ये बनता है। लाइक एज सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन आपने प्रूफ किया कि एनथ टर्म का फार्मूला ए पी में दिया, प्रूफ किया जबकि उसकी ए पी की रकमें दी हुई थी, अब यहाँ पर जी पी की रकमें दी हुई हैं, ठीक है। तो पहला काम वही करेंगे कि एस एन एक गिवन स्टेटमेंट है, सो इस सारे को फार्मूले को, जिस फार्मूले को आपने प्रूफ करना है उसका नाम एस एन रख लिया। एस एन यहाँ पर स्टेटमेंट का नाम है, वो स्टेटमेंट आपकी फार्मूला भी हो सकती है, वो स्टेटमेंट आपकी सीरीज हो सकती है, ठीक है। तो इस सारे फार्मूले का नाम हमने एस एन रख लिया, इसे क्वेश्चन नंबर वन कह दिया यहाँ पर, क्लियर होगी बात ये। अगला स्टेप आप जानते हैं कि एन इज इक्वल टू वन के लिए स्टेप नंबर वन में एन इज इक्वल टू वन पुट करेंगे लेफ्ट में और राइट में और आंसर जो है ना वो बराबर होना चाहिए। स्टेप नंबर वन पुट एन इक्वल टू वन इन वन, वन में आप एन इज इक्वल टू वन पुट करने लगे हैं वही है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ए वन, लेफ्ट हैंड एन इज इक्वल टू वन का मतलब इसकी फर्स्ट वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू जी पी की फर्स्ट वैल्यू हो या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट वैल्यू, उसको हम किससे जाहिर करते हैं, डिनोट किससे करते हैं, ए वन से, तो लेफ्ट हैंड साइड तो ए वन है। राइट हैंड साइड में जो आपको फार्मूला दिया है ना उसमें एन की जगह वन पुट करना है अब आपने, तो राइट हैंड साइड में क्या फार्मूला था, ए एन ए वन इंटू आर की पावर यहाँ पर क्या था एन माइनस वन, तो एन की जगह क्या पुट कर दिया आपने वन पुट कर दिया, ठीक है। तो आर की जगह एन पुट कर दिया इसकी राइट हैंड साइड में, तो एन की जगह वन आ गया, तो वन माइनस वन जीरो, ए वन इंटू आर की पावर जीरो, आंसर किसके बराबर आ गया ए वन, ये भी ए वन ये भी ए वन, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप जब राइट हैंड साइड लिख रहे हैं तो फिर चाहे ये चीज़ ना लिखें आप बीच में, ठीक है, राइट हैंड साइड किसकी राइट हैंड साइड, ए एन के जो इधर राइट हैंड साइड है फार्मूले की, ठीक है। तो ये भी ए वन आ गया, ये भी ए वन आ गया, एज लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हैंस एस वन इज ट्रू, स्टेटमेंट आपकी एन इज इक्वल टू वन के लिए क्या होगी दुरुस्त हो गई। सपोज दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, अब अगली बात यह है कि एन इज इक्वल टू के लिए इस बात को स्टेटमेंट को दुरुस्त मान लें, एन इज इक्वल टू के लिए दुरुस्त मानने का मतलब है कि इसके kth टर्म को आप दुरुस्त मान लें। तो जी पी की kth टर्म का फार्मूला क्या बनता है, ए के इज इक्वल टू ए वन इंटू आर की पावर के माइनस वन, नहीं तो आपने आपके पास जो फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी एन टर्म का फार्मूला बेटा जी ये लिखा हुआ ना आपके पास ये, ठीक है, या ये जो हमने क्वेश्चन नंबर वन बनाई है ये वाली, तो इसमें एन की जगह क्या पुट करना है के पुट करना है, ठीक है, एज एज जिस हम प्रीवियस करते आ रहे हैं, तो एन की जगह के पुट कर दिया तो ये आ गया एस के, यहाँ पर भी ए के आ गया, ये आ गया ए वन इंटू आर की पावर के माइनस वन, तो इसको हम क्वेश्चन नंबर टू कह देंगे, क्या कह देंगे क्वेश्चन नंबर टू, कैसे बनी है क्वेश्चन नंबर वन में क्या पुट किया है एन की जगह के, ठीक है। तो एन की जगह बेटा के पुट कर दिया तो एस के आ गया। अब अगला स्टेप आप जानते हैं क्या करना है, नेक्स्ट वी विल शो डैट स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, अब हम ये दुरुस्त साबित करेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है वो एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए क्या है दुरुस्त है। कैसे साबित करेंगे, इसके लिए हमने एक नंबर अब क्या करना है ऐड नहीं करना मल्टीप्लाई करना है, ये भी सुन रहे हैं, अब एक नई चीज़ आई ना अब आपके लिए, हर मरतबा ऐड नहीं करते, देखो ये कोई सीरीज का सम नहीं हो रहा, ये हो रही है रकमें मल्टीप्लाई, जी पी की रकमें आपस में कैसे बनती हैं मल्टीप्लाई करके बनती हैं, जी पी की रकमें कैसे बनती हैं, हर प्रीवियस वैल्यू में आप हर अगली वैल्यू अगर आपको चाहिए तो प्रीवियस में क्या ऐड करना है मल्टीप्लाई करना है, आपने क्या करना होता है देखें बेटा, आपके पास जो जी पी की मैं बता रहा हूँ कि जो रकमें बनती हैं टर्म्स बनती हैं वो कैसे बनती हैं, मिसाल के तौर पर आपको इसकी दूसरी टर्म चाहिए तो दूसरी टर्म का फार्मूला आप लिखते हो ए वन इंटू आर, इसकी तीसरी रकम चाहिए तो तीसरी रकम का फार्मूला बनता है ए वन इंटू आर का स्केयर, तो कैसे बनी है पिछली वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई किया आपने आर से मल्टीप्लाई किया, या ए थ्री का फार्मूला ये भी हो सकता है ए टू इंटू आर, इसकी दूसरी वैल्यू को आर से मल्टीप्लाई कर दें तो भाई इसको दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई करें तो ये नहीं बन जाता ए वन इंटू आर आर का स्केयर, ए थ्री का दो फार्मूले एक ये भी है और एक ये भी है, ये वाला फार्मूला
इस फार्मूले से तो ये बनी है, ए टू को मल्टीप्लाई करो आर से दोनों तरफ, इधर भी आर इधर भी आर, तो क्या बनेगा, इधर ए वन आर का स्केयर, तो ए थ्री का फार्मूला ये भी बन जाता है। तो मतलब मुख्तसर ये किस्सा मुख्तसर ये है कि अब ए फोर निकालना ना आपने, तो इसको तीसरी रकम को आर से मल्टीप्लाई कर दें। अब तीसरी रकम किसके बराबर है, तीसरी रकम का फार्मूला है ए वन इंटू आर का स्केयर इंटू आर, ये आ गया, तो ये क्या बन गया, ए वन इंटू आर की पावर थ्री। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जी पी की जो रकमें हैं हर पिछली वैल्यू को आर से मल्टीप्लाई करते रहें तो अगली वैल्यू बनती जाती है, जिस तरह ए पी में हर पिछली वैल्यू में डी जमा करते रहें तो अगली वैल्यू बनती है। तो बेटा जी यहाँ पर अब आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है आर से, अब इसमें तो आर ऐड नहीं कर देना अब आपने, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन किस तरह का है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, आ रही है रकमें तो मल्टीप्लाई करना है, इसको दोनों तरफ आर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। लो जी आर इंटू ए के, इधर मल्टीप्लाई किया ए वन इंटू आर की पावर के माइनस वन इंटू आर। अभी जैसे मैंने आपको बताया, अभी यहाँ पर आपको बताया कि बता के हैं आपको कि इसकी रकमें बनाने के दो तरीक़ाकार हैं। ए फोर का फार्मूला ए थ्री इंटू आर है, तीसरी को आर से मल्टीप्लाई किया। ए थ्री का फार्मूला ए टू इंटू आर है, दूसरी को आर से मल्टीप्लाई किया। यानी असल डेफिनेशन यही है। ये जो आप पढ़ते हैं ना ए फोर का फार्मूला ये होता है ए वन इंटू आर की पावर थ्री, ये तो बाद में बनता है ना। असल फार्मूला कैसे बनता है, जी पी की असल डेफिनेशन क्या है, कि जी पी की असल डेफिनेशन ये होती है कि इसमें हर अगली रकम पिछली रकम को आर से मल्टीप्लाई करने से मिलती है। ठीक है, हर लास्ट वैल्यू को जब आप कॉमन रेशो आर से मल्टीप्लाई करते रहते हैं तो अगली वैल्यू मिलती जाती है। तो फिर यहाँ पर मुझे बताओ, जब आप ए के यानी केथ टर्म को आर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कौन सी रकम मिलेगी, के प्लस वन टर्म मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर बेटा लिखा है कि जब आप इसको आर इंटू ए की पावर के को आर को ए के से मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सी रकम बन जाएगी, के प्लस वन टर्म, और इधर ये क्या बन गया, ए वन इंटू आर की पावर के। अब एक्चुअली आप जानते हैं कि इसकी के प्लस वन टर्म का फार्मूला यही होता है, लेकिन अब आपने ये थ्री इसे क्वेश्चन नंबर थ्री कह दिया। अब यही चीज़ आपने लेके आनी है जब आपके पास जब क्वेश्चन नंबर फोर बनेगी। अभी वो कैसे बनेगी, दिया हुआ जो फार्मूला है ना, दिया हुआ जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में इनकी जगह के प्लस वन पुट करें और यही चीज़ लेके आएँ। ले जी नेक्स्ट वी पुट एन इज इक्वल टू के प्लस वन इन वन, वन में अब आप ये नंबर के प्लस वन पुट कर दें तो वन आपकी ये है ए एन इंटू ए वन आर की पावर एन माइनस वन। फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए जब आप यहाँ पर एन की जगह के प्लस वन पुट करेंगे, वी हैव एन की जगह यहाँ पर के प्लस वन पुट किया, यहाँ पर भी एन की जगह के प्लस वन पुट कर दिया, ये वन और ये वन कट गया तो ए वन इंटू आर की पावर के आ गए। तो अब आपने देखा कि आपकी थ्री और फोर बिल्कुल एक जैसी है। ठीक है, तो फ्राम थ्री एंड फोर वी कैन ऑब्जर्व डैट एस के प्लस वन इज ट्रू वेन यूर एस के इज ट्रू, हैंस बाई मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट ऑफ फार्मूला इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। बेटा यहाँ पर सिर्फ स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, दो तीन स्टेप्स हैं सारे, बार बार वही चीज़ है। अगर ये आपको समझ आ जाती है कि क्या करना है, इतनी देर में तो क्वेश्चन वैसे ही जबानी रट जाते हैं बंदे को। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको समझ आ जाती है, दो तीन स्टेप्स गौर से बैठ कर देख लें तो सारे सवाल आसान है, एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है।